साल 31 दिसंबर जो साल का आखिरी दिन है, काफ़ी जश्न के साथ लोग मनाते हैं, लेकिन इस दिन को मनाते समय कुछ सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। उसमें खासकर हमारे जो युवा है उन लोगों की जिम्मेदारी काफ़ी अहम है। रात में 12 बजे के बाद शराब पी के काफ़ी स्पीड में व्हीकल ड्राइविंग करना, ट्रैफिक नियमों का पालन ना करना, कई जगह पे लिकर के साथ साथ कई बार ड्रग्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन कभी कभी हमें आती है, कई बार कोई ऑब्सीन डांस भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस तरीके से पूरी हरकतों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हम लोगों की अभी कोशिश है। सबसे पहले इस 31 दिसंबर के रात में 1 तारीख के सुबह तक हमारे रजकोंडा कमिश्नरेट के अंदर जीरो डेथ इंसिडेंट फ्री 31 दिसंबर सेलिब्रेशन, ये हमारा मकसद है। उसके लिए अभी हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी जगह पे हमारे पुलिस के ब्रेथ एनालाइजर के साथ ड्रंकन ड्राइविंग चेक करने के लिए चेक पोस्ट रहेंगे, ड्राइवर्स बंद किए जाएंगे, ORR के रूप ऊपर भी जो कोई ड्राइवर्स कम्यूट कर रहे हैं उनको भी हम पक्का टेस्ट करेंगे। जहाँ पे लिकर शॉप्स में, रेस्टोरेंट्स में, बार में 21 साल के कम उम्र के बच्चों को यहाँ पे लिकर सर्व हो रहा है उन लोगों के ऊपर हम खासकर एक्साइज एक्ट के तहत सेक्शन 35 हम पक्का कार्रवाई करेंगे। हम लोगों की एक ही अपील है कि जो रेस्टोरेंट के बार के जो ओनर है या जहाँ पे खासकर क्लब्स हो या एंटरटेनमेंट प्लेसेस है वहाँ पे हमारी परमिशन लेके जहाँ जहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ पे अगर एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से अगर आपको लिकर लाइसेंस मिल रहा है तो अगर आप जो आपके यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनको सेफली घर पे पहुँचाने की भी आप जिम्मेदारी उठाइए, उसके बारे में कुछ कदम आप भी उठाएंगे तो ये जीरो डेथ का जो मकसद है वो पूरी तरीके से कामयाब होगा। दो तरीके से अब हम एक इसमें काम कर सकते हैं। एक तो कुछ व्हीकल ड्राइवर हम हायर करके इन लोगों को सेफली उनके घर तक पहुंचा सकते हैं, या फिर किराए की कैब्स हो वो कैब्स आप हायर कर सकते हैं, ऑटो हायर कर सकते हैं, या फिर डेसिग्नेटेड ड्राइवर ऑफ द डे, ये जो कंसेप्ट है वो खासकर अमेरिका में काफ़ी चलता है कि अगर 4 घर के सदस्य या फिर 4 दोस्त कहीं पार्टी के लिए जा रहे तो एक सदस्य जो है वो उस दिन शराब नहीं पिएगा, वो ड्राइवर होगा उस दिन का, तो इसे डेसिग्नेटेड ड्राइवर ऑफ द डे बोलते हैं। तो इस तरह का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है कि जो सेफली हर एक को अपने घर तक पहुंचा सकता है। तो न्यू ईयर भी आप सेलिब्रेट कीजिए, साथ साथ आपकी सेफ्टी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम तो हमेशा यही कहते हैं कि अगर आपको ब्लड डोनेशन करना है तो आप रास्ते पे मत कीजिए, बहुत सारी जगह है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, बहुत सारे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है, आप उनको जाके हेल्प कीजिए। अननेसेसरी जोश में आके स्पीड ड्राइविंग करके, ड्रंकन ड्राइविंग करके सेल्फ एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और ख़ासकर जो रास्ते पे पैदल चलने वाले लोग हैं उन लोगों को भी उससे हानि हो सकती है। तो अपने आप पर 31 के दिन काबू रखिए और पूरी परमिशन के साथ ही आप 31 की नाइट सेलिब्रेट कीजिए, यही हमारी सभी लोगों को मीडिया द्वारा गुजारिश है।